अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बना रहे हैं खजूर का हलवा, डेट हलवा। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी का हमने ले लिया है और उसे गर्म कर लिया है हल्के फ्लेम पे, और दो इलायची के दाने घोल के हमने इसमें डाल लिए हैं। इलायची के दाने हल्के गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम एक बड़ा चम्मच सूजी का डालेंगे। अच्छी तरह से कुछ मिनट तक इसे भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को भी देखिएगा। फ्लेम बहुत ही हल्का रखेंगे वरना सूजी हमारी जल जाएगी। बहुत ही हल्के फ्लेम पर थोड़ी देर तक इसी तरह से भूनते रहेंगे। सूजी से खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डेट मिक्सर डालेंगे। हमने खजूर को धो के अच्छी तरह से उसे ड्राई करके इसके सीड निकाल के रख लिए थे और खजूर को पीस कर इसका मिक्सर तैयार कर लिया था। ये आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। खजूर का मिक्सर बनाने के बाद अब इसमें से हमने दो बड़े चम्मच लेके सूजी में ऐड करने हैं। डेट मिक्सर को भुनी हुई सूजी में डालेंगे। इसी में खजूर है, इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें और घुमाते जाएं। थोड़ी देर तक भूनते रहें, अच्छी से खुशबू आने लगेगी। और हल्का सा अगर घी की ज़रूरत हो तो और आप ऐड कर सकते हैं इसमें। दो तीन मिनट तक सूजी और खजूर के मिक्सर को इसी तरह से घुमाते रहें, अच्छी तरह से भून लें। अब सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लगी है। चीनी की इस हलवे में ज़रूरत नहीं है क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अगर इसके बाद भी आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसी से ही हलवा बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। दो तीन ड्रॉप्स क्यूट एसेंस के भी डाल लिए थे मैंने भूनते हुए। खजूर का हलवा तैयार हो चुका है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे सेट करके उसके ऊपर बादाम वगैरह डाल लें, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और उसे थोड़ा सा डबल करके रख दें। ठंडा होने पर सर्व करें। खजूर का हलवा तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।